एपिसोड के स्टार्ट में हमें यूया तेंजू को दिखाया जाता है जहां पर उसके भाई बहन उसे बुली कर रहे होते हैं। इसी बीच वहां पर एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है। जो लड़की अपने तेंजू को पहचान रही होती है और यहां पर वो उससे मिलने आई होती है। साथ ही साथ वो कहती है कि यहां पर तेंजू काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि अब वो काफी ज्यादा पतला हो गया है। वहीं इन सारी बातों को सुनकर तेंजू कंफ्यूज होता है कि ये लड़की कौन है और भला ये इसको जानती कैसी है। इसी बीच वो लड़की बताती है कि उसका नाम काओरी है और ये वही लड़की होती है जिसे तेंजू ने उन लड़कों से बचाया होता है जिन लड़कों ने काओरी को असॉल्ट किया होता है। इसके चलते ही वो यहाँ पर अपने तेंजू को थैंक्स बोलने के लिए आई होती है, जिस पर तेंजू पूछता है कि भला वो उसे ढूंढ कैसे पाई और उसे पहचान कैसे पाई क्योंकि वो तो काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। जिस पर काओरी बताती है कि उसे ढूंढने के लिए ही उसने अपने बटलर को काम पे लगाया जिसने यहाँ पर तेंजू की इन्वेस्टिगेशन की। वहीं तेंजू को थैंक्स बोलने के साथ साथ वो उसे अपने ओजी एकेडमी भी ले जाना चाहती है एक थैंक्स गिविंग के रूप में। जिस बात को सुनकर वहां पर तेंजू शॉक हो गया होता है क्योंकि ओजी एकेडमी एक काफी एलाइट एकेडमी होती है जहां पर काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट पढ़ते हैं और वो खुद को इतना कंपेटेबल नहीं समझता कि वो उस एकेडमी में जा सके। जिस बात को सुनकर वहां पर काओरी और उसकी बटलर कह रही होती है कि वो अपनी पावर को बिल्कुल भी हल्के में ना ले क्योंकि उसके अंदर काफी अच्छी भलाई की पावर है जिसके चलते ही वो ओजी एकेडमी आ सकता है। वहीं पर ओजी एकेडमी में काओरी के फादर चेयरमैन हैं और जब उन्हें ये सुना कि उसने काओरी को बचाया है इसके चलते ही वो खुद ही चाहते हैं कि अब तेंजू आकर उनकी एकेडमी में पढ़े। जिस बात को सुनकर अभी भी तेंजू काफी कंफ्यूज होता है जिस चीज को देखकर काओरी की बटलर कह रही होती है कि क्यों ना वो तेंजू को बताने से अच्छा उसे अपनी ओजी एकेडमी लेकर चले। जिस बात को सुनने के बाद काओरी तेंजू का हाथ पकड़ती है और उसे अपने कार में बैठाकर ओजी एकेडमी लेकर जाती है। जहां उस एकेडमी में पहुंचने के बाद वहां उसकी मुलाकात काओरी के फादर से होती है जो कि इस एकेडमी के चेयरमैन होते हैं और उनका नाम सुकासा होता है। वहीं पर सुकासा तेंजू से कह रहे होते हैं कि उसके एक्शन की वजह से ही आज उसकी बेटी की इज्जत बच पाई है और इस चीज के लिए वो उसका जितना भी शुक्रिया अदा करे वो कम है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि तेंजू अब से उसकी ओजी एकेडमी में पढ़ेगा। साथ ही साथ तेंजू को यहाँ की खर्चे की कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ का सारा खर्चा वो संभाल लेंगे, बस वो यहाँ पर आकर एकेडमी में अपना तन मन धन लगाकर काम करे। जिस बात को सुनकर तेंजू अभी भी काफी कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसके जैसे काफी स्टूडेंट इस ओजी एकेडमी में आने का अपना सपना समझ रहे होते हैं और यहाँ पर तेंजू का भी सपना होता है कि वो इस एकेडमी में आकर पढ़े, पर वहीं पर ये रास्ता उसे सही नहीं लग रहा होता क्योंकि उसने यहाँ पर ज्यादा मेहनत नहीं की होती है इस एकेडमी में आने के लिए। इसलिए वो कहता है कि वो इतना जीनियस नहीं है कि इस एकेडमी के लायक हो और यहाँ पर पढ़ सके। जिस बात को सुनकर सुकासा कह रहा होता है कि जरूर वो जीनियस ना हो पर यहाँ पर उसके अंदर काफी अच्छी क्वालिटीज है जिसके चलते ही ओजी एकेडमी में उसकी काफी इज्जत है क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही स्टूडेंट पढ़ते हैं जो कि एक दूसरे को काफी अप्रिशिएट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सुकासा तेंजू से काफी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं जैसे कि वो कोई बड़े बुजुर्ग हो। वहीं उनकी बात सुनकर तेंजू को अपने ग्रैंडफादर की याद आ गई होती है जिसके चलते ही वो ना चाहते हुए अब इस ओजी एकेडमी में पढ़ने के लिए एक्साइटेड रहता है। वहीं पर सुकासा कह रहा होता है कि वो अपने डिसीजन उनके ऊपर थोपना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पर वो तेंजू को ऑफर देता है कि क्यों ना वो एक दिन यहाँ पर रहकर ट्राई कर देख ले और यदि उसे अच्छा लगे तो वो ओजी एकेडमी में पढ़ना कंटिन्यू कर सकता है। इसी बीच वहां पर टीचर स्वादा आती है। इस चीज को देखकर सुकासा उस टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि अब से वो यहाँ पर तेंजू को यहाँ की सारी चीजों के बारे में मुआयना कराए। जिस बात को सुनकर टीचर स्वादा कह रही होती है कि वो खुशी खुशी से इस काम को कंप्लीट करेगी और यहाँ पर तेंजू को सारी चीजों को समझा देगी। जिसके बाद टीचर स्वादा अपने साथ तेंजू को लेकर आती है ट्रायल क्लास में ले जाने के लिए, जहां आकर तेंजू सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है और इंट्रोडक्शन देने के बाद जब वो बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखता है तो सारे स्टूडेंट उसे घूर कर देख रहे होते हैं जिसके चलते ही तेंजू काफी नर्वस हो गया होता है। बट वहां पर सारे स्टूडेंट इसलिए तेंजू को घूर कर देख रहे होते हैं क्योंकि तेंजू काफी ज्यादा हैंडसम होता है, जिसके
बाद तेंजू जाकर अपनी चेयर में बैठता है, तब भी सारे लोग सिर्फ उसी को देख रहे होते हैं। वहीं पर जैसे ही लंच की छुट्टी होती है तो वहां पर काफी सारे स्टूडेंट आकर तेंजू से सवाल जवाब कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सब काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं अपने तेंजू के बारे में। वहीं पर एक स्टूडेंट आता है जहां पर वो सारे स्टूडेंट से तेंजू को बचाता है, और उस स्टूडेंट का नाम रियो होता है जो कि अपने तेंजू से फ्रेंडशिप कर लेता है, और उसके बाद वो लोग दोनों मिलकर लंच के लिए चले गए होते हैं। वहीं कैफेटेरिया में जाने के बाद तेंजू की आंखें फटी की फटी रह गई होती है, क्योंकि वहां पर चीजें काफी किफायती होती है और उसके जैसे स्टूडेंट के लिए काफी सारी चीजें फ्री भी होती है, इसलिए वो लोग फ्री की चीजें उठाते हैं और लंच करने के लिए पहुंच गए होते हैं, जहां पर रियो तेंजू को एक और स्टूडेंट सिंदो से मिलाता है जो कि एक नर्ड गेमर और ओटाकू होता है, जिसे देखकर तेंजू को खुद की याद आ गई होती है क्योंकि वो भी सिंदो की तरह ही होता है, जिससे उसे याद आता है कि जब वो सिंदो की तरह ही था तो लोग उसे काफी ज्यादा बुली किया करते थे। पर वहीं पर वो इस ओजाई एकेडमी में देख पाता है कि यहां पर उसे कोई भी नहीं छेड़ रहा होता न ही बुली कर रहा होता है, जिसके चलते ही उसे ये एकेडमी और भी ज्यादा पसंद आती है, और वहीं पर उन तीनों की फ्रेंडशिप और अच्छे से हो गई होती है। वहीं इस लंच के बाद वापस से तेंजू जाता है चेयरमैन के पास, जिसका नाम सुकासा होता है, और वो सुकासा से बातें कर रहा होता है, जहां पर सुकासा तेंजू से पूछता है कि उसे ये एकेडमी कैसी लगी, जिस पर तेंजू बता रहा होता है कि उसे ये ओजाई एकेडमी काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इसके पहले वो जिस एकेडमी में रहा करता था वहां पर लोग उससे अच्छा बिहेव नहीं करते थे, उसे बुली किया करते थे, पर वहीं पर इस एकेडमी में सारी चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट है, और यहां आकर वो काफी ज्यादा अपने आप को ग्रेटफुल फील कर रहा है, जिसके चलते ही वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गया होता है। और वहीं पर सुकासा यहां पर तेंजू को इस एकेडमी में आने की परमिशन दे देता है, जिसके चलते ही तेंजू यहां पर आने के लिए खुशी खुशी राजी हो गया होता है। और वहीं पर सुकासा अपने तेंजू को हमेशा की तरह और अच्छी अच्छी बातें बता रहे होते हैं, जिसके चलते ही वो उसे और अच्छे से समझ पा रहा होता है। इसके बाद जब तेंजू वहां से जाने लग गया होता है तो उसकी मुलाकात कावरी से होती है, जहां पर कावरी तेंजू को अपने साथ मार्केट घुमाने के लिए लेके आती है, जहां पर जाकर वो लोग कुछ खा रहे होते हैं। और वहीं पर हमें समझ में आता है कि कावरी काइंड ऑफ तेंजू को पसंद कर रही होती है। वहीं पर जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तो वहां वो दोनों अपने फूड एक दूसरे से काफी ज्यादा शेयर करते हैं, और उनके बीच में और भी अच्छी बॉन्डिंग बन गई होती है। वहीं पर आई साइड के लोग जब ये चीज देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो दोनों काफी ज्यादा क्यूट कपल हैं। इन सब के बाद तेंजू अपने घर आता है और खुद को सूट अप कर रहा होता है दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए, जहां जाने के बाद उसका सामना एक मॉन्स्टर से होता है, जिसे मारकर वो उसकी चीजों को कलेक्ट करता है। वहीं सेज उसे उसका स्टेटस दिखाती है, जहां पर तेंजू को पता चलता है कि अब वो काफी धीरे धीरे लेवल अप कर रहा है, और उसे समझ में आता है कि यदि उसे खुद को इम्प्रूव करना है तो उसे इस बैरियर से बाहर निकलकर और भी मॉन्स्टर का सामना करना होगा। वहीं पर जब वो ऐसा करता है और जैसे बैरियर से बाहर निकलता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को वो फॉलो कर आगे बढ़ता है तो उसे एक मॉन्स्टर नजर आता है, जिसने कुछ लोगों को मार दिया होता है। और वहीं पर वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल होता है, जो कि एक लड़की को मारने जा रहा होता है। इस चीज को देखकर तेंजू उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे काफी जख्मी भी कर देता है। पर वहीं पर जैसे ही तेंजू लड़की की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड में भी ह्यूमन मौजूद है, इसी बीच वो मॉन्स्टर फिर से अपने तेंजू के ऊपर अटैक करता है और उसे काफी दूर उठाकर फेंक देता है। जिस अटैक को सहन करने के बाद तेंजू को समझ में आता है कि इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगा देनी होगी, इसलिए यहाँ पर तेंजू सबसे पहले अपने स्पीयर, उसके बाद अपने तीर कमान और उसके बाद अपनी सॉर्ड का यूज कर उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। और उसे मारने के बाद जब वो उस लड़की के पास जा रहा होता है उसका हालचाल पूछने के लिए, तो वो लड़की तुरंत ही वहां पर बेहोश हो गई होती है। और इसके साथ ही यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो, और यदि आपको ऐसे ही एनिमे कंटिन्यू चाहिए और इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए हो तो आप इस वीडियो पे लाइक कमेंट और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। सो टाकूस, अगली मुकल्लात आपसे जल्दी होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।